प्रयाग राज में लड़कियों को लालच देकर शादी करवाने के लिए राजस्थान और दिल्ली ले जाने वाले गिरोह का रविवार को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हमारी बहन, हम लोग आ रहे थे सपना जिसके, और यहाँ एक व्यक्ति जो है वो उसको घुसका करके ले गया और हमें भी ले गया था, जिसके बाद मेरी बहन को अपने यहाँ रख लिया और बाकी जो है हमको वहां से दिल्ली कमाने के लिए जबरदस्ती बैठा दिया। गिरोह के 8 सदस्यों को खुल्दाबाद इंस्पेक्टर रोशन लाल ने दबोच लिया। पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि रविवार को दोपहर करीब 4:45 बजे मरकरी चौराहे पर सतना के मुखबिर की निशानदेही पर 3 महिला और 8 पुरुषों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पूछताछ में इन लोगों ने माना कि ये घर से भाग कर आई नाबालिग लड़कियों को स्टेशनों आदि से डरा धमका कर तथा फर्जी बाल पुलिस अधिकारी बनकर अड्डे पर रखते थे। उन्हें कहा जाता था कि घर वालों को बुलाया गया है। इसी दौरान राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के विभिन्न शहरों में अपने एजेंटों से संपर्क कर जिन्हें दुल्हन की आवश्यकता होती थी उन्हें 2 से 4 लाख रुपए में सौदा कर फर्जी शादी की रोटी बनवाकर बेच देते थे। शादी के समय पकड़े गए लोगों को ही ये घर वालों की तरह पेश करते थे। गिरफ्तार 2 लड़कियां अब तक कई फर्जी शादी कर चुकी हैं और रुपए ही नहीं गहने लूट कर भी भाग आती थी। बताया जा रहा है कि इस गैंग में कई शहरों में 50 से अधिक लोग शामिल हैं। ये एक ऐसा रैकेट है जिसमें पूरे प्रयागराज में कम से कम 50 से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका में काम कर रहे हैं। अब तक ये गिरोह सैकड़ों लोगों की फर्जी शादियां करा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया ये पैसे ऐड लेते थे और बाद में कहते थे कि नाबालिग लड़की से गलत तरीके से शादी हुई है। पूर्व में भी उनके ऊपर कई केस दर्ज किए गए थे। सतना की भागी हुई एक नाबालिग लड़की के जरिए मामले का पूरा खुलासा हुआ। खुल्दाबाद और करेली पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इनके दूसरे राज्यों में मौजूद गैंग के लोगों को भी पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये एक बड़ा रैकेट खुल्दाबाद और करेली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में खुलासा हुआ है। इसमें कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, 4 महिलाएं भी हैं और 2 नाबालिग जो अपहृताएँ हैं उनकी भी बरामदगी हुई है। ये एक बड़ा रैकेट है जो एक मुख्य आदमी है इसमें, वो अपने आप को बाल विवाह अधिकारी बता करके स्टेशन पर जो लड़कियां कहीं से अपने घर से भाग करके किसी कारण से घर से झगड़ा करके या अपने किसी प्रेमी के साथ भाग करके आती थी, उन्हें ये टारगेट करते थे और ये बताते थे कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे। इसके बाद वो उसे अपने घर पे ले आते थे और वहाँ से ये कुछ लोगों को जो इनके कांटेक्ट में रहते थे, ब्रोकर्स रहते थे बाहर के, जयपुर के, बॉम्बे के, उनको पैसे ले करके उन लड़कियों को बेच देते थे। तमाम प्रकरणों में ऐसा हुआ कि इन लोगों ने जो इनके महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, जो इनकी तथाकथित पत्नियां हैं, वो दूसरे लोगों को फंसा करके शादी करके उनके यहाँ जाती थी और 1-2 दिन में वहाँ से घर का जितना भी गहना और पैसा रुपये रहता था उसको लेकर के चंपत हो जाती थी, इनका सही एड्रेस नहीं रहता था। इसी प्रकार से कई बार ये ज़रूरतमंद लोगों को शादी का झांसा देकर उसे शादी कराते थे और इन्हीं के गैंग के लोग वो बाहर निकलने पर पुलिस के अधिकारी बन करके, पुलिस के कर्मचारी बन करके और उनसे पैसे ऐंठ लेते थे और कहते थे कि गलत तरीके से शादी हुई है, नाबालिग लड़की से शादी हुई है। इस प्रकार से इनका ये एक बहुत बड़ा गैंग है।